अगली खबर दिल्ली से, जहां डीडीए ने उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाली रैट माइनिंग टीम के सदस्य वकील हसन का घर बुलडोजर से ढहा दिया। अवैध बताकर घर तोड़ने की कार्रवाई जब शुरू हुई तो रैट माइनर वकील हसन ने इसका विरोध किया। पुलिस उन्हें थाने में ले गई। कार्रवाई के बाद डीडीए ने कहा कि उन्हें जल्द ही नया घर दिया जाएगा। सिर्फ 3 महीने पहले जो शख्स नायक बनकर सामने आया था वो इस वक्त बेघर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में वकील हसन का घर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ढहा दिया। 4 लोगों के परिवार के साथ अब वो सड़क पर है। हसन रैट होल माइनर्स की उस टीम में था जिसने उत्तराखंड की सुरंग में फंसे 41 लोगों को निकालने में कई दिनों तक बिना सोए काम किया। मैम, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, मैं घर पे भी नहीं था उस वक्त। जिस वक्त ये लोग आए थे, एक चोरों की तरह सर, मैम जैसे आते ना कि एक चोर आता और चोरी करके चला जाता है। नवंबर में उत्तरकाशी के बचाव अभियान से लौटने के बाद उसके पास लगातार नेताओं अफसरों के फोन आते रहे, साथ में फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन अब मदद के लिए फोन का कोई जवाब नहीं दे रहा है। रात से अभी तक किसी अफसर का फोन नहीं आया। हमारा घर तोड़ दिया उन्होंने, अब हमारा घर बस, हमें हमारा घर चाहिए और कुछ नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण का कहना है कि मकान गैर कानूनी तौर पर बने थे और उनमें रहने वालों को पहले ही नोटिस भेजे गए थे। उनका कहना है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वकील हसन वहां रहता है। उनका दावा है कि उन्होंने उसके परिवार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। खजूरी खास का ये वही इलाका है जहां पर कल डीडीए के द्वारा डिमोलिशन ड्राइव की गई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे ये जो पूरा घर है वो पीछे से टूट चुका है। ये वकील हसन का घर है, ये वही वकील हसन है जिन्होंने सिल्कियारा टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन में भी एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। वहीं अगर हम डीडीए की बात करें तो डीडीए ये बोल रहा है कि ये एक रूटीन एक्टिविटी थी और न्यायालय के डायरेक्शन से वो बाध्य है और इसीलिए उन्हें डिमोलिशन ड्राइव चलानी पड़ी थी। लेकिन जो वकील हसन की जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में, उसे देखते हुए डीडीए ने पहले भी मदद का हाथ जो है वो आगे किया था और आगे भी करते आएगी। दिल्ली से NDTV इंडिया के लिए इशिका।